हाथी और खरगोश की कहानी। एक बड़ी सी जंगल में एक हाथी का झुंड रहा करता था। उन हाथियों का एक राजा भी था। सारे हाथी मिलकर नजदीक के एक झील में नहाते, पानी पीते, खेलते कूदते और खुशी से रहते। एक साल बहुत सूखा पड़ा था और झील भी सूख गया था। बिना पानी के हाथियों को बहुत कष्ट हो रहा था। बेचारे बच्चे हाथी तो बीमार ही पड़ गए। तब कुछ हाथियों ने राजा जी से कहा, राजा जी, हम कई साल से इसी झील के भरोसे यहां रह रहे हैं। इस साल तो झील पूरी तरह से सूख गई है, बेचारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। एक और हाथी ने कहा, जी महाराज, आप जल्दी से कोई फैसला ना ले तो हम सब बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। तब राजा ने कहा, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं एक बहुत बड़ा झील जानता हूँ, वो नजदीक में ही है और हम सब वहीं जाके रह सकते हैं। चलिए वहीं चलते हैं। तब सारे हाथी मिलके दूसरी झील की तरफ निकल पड़े। फिर हाथियों के झुंड ने जंगल के रास्ते 5 रात और 5 दिन का रास्ता तय किया। आखिर वो उस झील तक पहुंच ही गए। क्योंकि झील में पानी बहुत था, वो देख के वो बहुत खुश हुए। उस झील के किनारे कई गड्ढे थे और उन गड्ढों में कई खरगोश रहा करते थे। वो खरगोश हाथियों का झुंड देख के डर गए। हाथियों का सरदार ने कहा, जाओ और जाके पेट भर के पानी पियो, बहुत दिन हुए नहाए, तुम्हारे बदन से बू आ रही है, अच्छे से नहाना। सारे हाथी बहुत खुश हुए और जाके झील में कूद पड़े। उनके पैर के नीचे खरगोश के घर टूट रहे थे और बेचारे खरगोश यहां वहां भाग रहे थे। वो हाथियों के पैर तले ना कुचल जाए इसलिए डर के तितर बितर हो रहे थे। किसी भी तरह वो वहां से बच के निकले। हाथियों ने सारा दिन झील के पानी में खेला। फिर शाम होते ही वो वहां से चले गए। फिर सारे खरगोश एक जगह जमा हुए। एक खरगोश ने कहा, जान बची लाखों पाए, वैसे ये सारे हाथी एक साथ हमारे झील किनारे क्यों आए? एक और खरगोश ने कहा, सारे जंगल में सिर्फ हमारे ही झील में पानी बचा है, कहीं और पानी मिला नहीं तो यहाँ चले आए होंगे। तीसरे ने कहा, यानी ये सारे हाथी रोज यहाँ आया करेंगे, ऐसे हुआ तो हम सारे मारे जाएंगे, कहीं और भाग चलते चलो। तब उनमें से एक चालाक खरगोश ने कहा, मेरे दोस्त, हम यहीं पैदा हुए हैं और यहीं पले बड़े हैं, हमारे घर छोड़ के कहाँ जाएंगे? मैंने एक तरकीब सोची है, आप लोग डरिएगा मत। दूसरे दिन हाथियों का राजा पूरी झुंड के साथ फिर से झील किनारे आ पहुंचा। उनके रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर पर वो चालाक खरगोश एक टांग पर तपस्या के भंगिमा में खड़ा था। जब हाथी उसके सामने से गुजरने लगे, उसने कहा, रुकिए, आप उस झील किनारे नहीं जा सकते, वो झील चंद्रदेव के आराम का जगह है, वो रोज रात को वहां आके आराम करते हैं। तब हाथियों का सरदार ने कहा, ये बात तुम कैसे जानते हो, बोलो। खरगोश ने कहा, मैं चंद्रदेव का दूत हूँ, तुम लोगों को झील किनारे जाने से रोकने के लिए ही मुझे भेजा है। कल तुम लोगों ने झील में नहाया, वो गंदा हो गया, चंद्रदेव तुम लोगों पे बहुत गुस्सा है, अगर तुम लोग जीना चाहते हो तो यहां से चले जाओ। हाथी सोच में पड़ गया। उसको खरगोश के बातों पे भरोसा नहीं हो रहा था। उसने थोड़ा सोचा, फिर खरगोश से कहा, ठीक है, अगर तुम सच कह रहे हो तो चंद्रदेव का दर्शन कराओ हमें, मैं खुद उनसे क्षमा मांगूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा। खरगोश ने कहा, ठीक है, रात का इंतजार करो, वो आराम करने झील पर आएंगे। फिर उस दिन रात खरगोश सारे हाथियों को झील किनारे ले आया। फिर उसने हाथियों का राजा को ऐसे जगह पर खड़ा किया जहाँ चांद का परछाई पूरी तरह दिख रही थी। हाथियों का राजा उस परछाई को देख के चौंक गया। खरगोश ने कहा, वो आराम कर रहे हैं, उनका शांति भंग करने से उनको गुस्सा आ जाएगा, जाइए यहाँ से चले जाइए, वैसे भी वो आप लोगों से बहुत नाराज है। तब सारे हाथी ने चंद्रमा को प्रणाम किया और दबे पैर वहां से चले गए। गजराज ने उनसे कहा, बिना आवाज के चलो, अगर वो जाग गए तो श्राप दे देंगे। उस दिन के बाद से सारे खरगोश उस झील में आराम से नहाते थे और वहां का पानी पी के खुश रहते थे। तो समझ गए बच्चों, कोई भी विपदा आए डर के भागना नहीं चाहिए, डट के सामना करना चाहिए, तभी समस्या का हल निकलता है।